हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग बाय प्रियंका पाटकार। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना लंच रूटीन। तो आज है संडे और मैं आज बनाने वाली हूँ लंच में कढ़ी। तो कढ़ी सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं अपने तरीके से किस तरीके से कढ़ी बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आए। अगर आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है और अब मैं इसको पकौड़ी के लिए तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ही थोड़ा डालना है क्योंकि हमारी कढ़ी में भी नमक होगा, तो इसलिए पकौड़ियों में हल्का सा नमक डालना है। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर इसको पकौड़ी के लिए तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें भी हल्दी डाल सकती है थोड़ी सी कलर के लिए, बट मुझे हल्दी इसमें नहीं पसंद, पकौड़ी में हल्दी नहीं पसंद है तो मैंने नहीं डाली है। और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको खूब स्मूथ फेटना है। आप जितना भी इसको फेटेंगे, जितना भी इसको फ्लफी बनाएंगे, आपकी पकौड़ियाँ उतनी ही फूली फूली सी और उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी। तो इसे लगातार फेटते रहना है काफ़ी टाइम तक, करीब 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही फेटना है। और अगर आप 10 से 15 मिनट तक लगातार ना फेट सके तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर इसको फेटना है और उसको फेटने के बाद फिर ढक के रख देना है 5 से 10 मिनट के तक, और उसके बाद फिर से इसे फेटना है। जब तक हमारा पकौड़ी का बेसन रेस्ट कर रहा है तब तक मैं चावल चढ़ाने की तैयारी कर लूँगी। तो मैं एक गिलास नाप के चावल बना रही हूँ छोटा सा, तो पहले मैंने उसको नाप लिया है। और आप भी कोशिश कीजिएगा चावल नाप के बनाएं तो पानी का अंदाज़ा परफेक्ट रहेगा, और अगर नहीं है तो आपका अंदाज़ा अच्छा होगा तो आप कर सकते हैं। तो मैं हमेशा नाप के करती हूँ। तो मैंने यहाँ एक छोटा गिलास चावल लिया है और उसको पहले अच्छे से साफ पानी से धुल लूँगी, और धुलने के बाद इसको हम कुकर में चढ़ाएंगे। तो मैं चावल जब बनाती हूँ तो पहले अलग कटोरे में डालकर इसको धुल लेती हूँ। बहुत से लोग चावल जब बनाते हैं तो कुकर में ही डालकर धुलते हैं और उसी में चढ़ा देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल को धुल लिया है और चावल को धुलने के बाद इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उसके बाद नाप के जितना मैंने पानी लिया है उसका डेढ़ गुना पानी डाल लूँगी। तो यहाँ मैंने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास चावल लिया है, तो मैं उसमें डेढ़ गुना पानी डालूँगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डालने से हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बनते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नमक नहीं डालूंगी, मुझे सादा चावल ही बनाना है। तो इसके बाद मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी। तो जो फ्रेंड मैंने घी डाला है वो मेरे घर का घी है, मैं होममेड घी बनाती हूँ। और अगर आप मेरी होममेड घी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, पड़ी हुई है। तो उसके बाद मैंने बस दूसरे नंबर वाली गैस जला कर उन्हें कुकर रख दिया है और चावल बनने के लिए। और इधर हमारा जो बेसन है वो भी सेट हो चुका है अच्छे से, तो मैं इसको एक बार और अच्छे से फेंट लूँगी ताकि हमारी पकौड़ियाँ काफ़ी फ्लफी बने। तो फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई रखूँगी और पकौड़ियों को तलने के लिए इसमें ऑयल डाल के गर्म करूँगी। तो आप ऑयल में बनाते हैं पकौड़ियाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हमेशा जो कढ़ी की पकौड़ियाँ होती हैं वो सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने करीब 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है कढ़ाई में, और अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूँगी, फिर मैं इसको पकौड़ियाँ तोड़ के डालूँगी।
तो फिर इधर ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है और मैं पकौड़ियाँ डालना शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालना शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पकौड़ी इसमें डाल रही हूँ और पकौड़ी कितनी बड़ी होती जा रही है जैसे ही कढ़ाई में डाल रही हूँ। अगर आपका बेसन बहुत ही अच्छे से फिटा हुआ है तो आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी छोटी छोटी नहीं रहेंगी और वो कढ़ाई में बड़ी बड़ी होती जाएंगी। और फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही हम डालेंगे तो इसमें हल्के हल्के से होल होते जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी पकौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई हैं। इन्हीं होल से कढ़ी अंदर तक जाएगी और इनके अंदर कढ़ी का सारा ग्रेवी अंदर जाएगा। तो बस मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी से पकौड़ियाँ डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ है वो बनके तैयार हैं और तो मैं अब इनको एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाकर अच्छे से निकालूंगी ताकि इसका सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले ये टिश्यू पेपर। पकौड़िया एकदम फ्लफी बनके तैयार है, इसमें हल्के हल्के से छेद है वो दिख रहे होंगे आपको, तो इन्हीं छेदों से ही कढ़ी हमारी अंदर तक जाएगी और पकौड़ियों को बहुत ही टेस्टी बना देगी। तो बस पकौड़ियाँ बनने के बाद अब मैं इसी ऑयल में कढ़ी को तड़का दूंगी। तो मैं कढ़ी के लिए जो बनाऊंगी ना बेसन, उसमें छाछ का यूज करूंगी। आप किसमें बनाते हैं, दही से या छाछ से, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मैं छाछ से हमेशा बनाती हूँ, मुझे छाछ से ही कढ़ी बनाकर खाना बहुत ही पसंद है। तो मैं करीब आधी छाछ इसमें डालूंगी क्योंकि मैं बस थोड़ी कढ़ी बना रही हूँ, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो पूरा छाछ का पैकेट डाल सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो आप पूरा पैकेट डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ आधा पैकेट डाला है और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी और मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डालूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें आप पानी डालिए, आप अगर ज़्यादा पतली कढ़ी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, और अगर आप थिक कढ़ी खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम पानी डाल सकते हैं। तो मुझे तो कढ़ी पतली ही बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रख लूँगी ताकि इसको पकने के टाइम पर जितना पानी इसका जल जाएगा तो जल जाने के बाद भी हमारी जो कढ़ी है वो पतली लगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूँगी। फ्रेंड्स, ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने। ये बड़ी वाली राई है, मैं कढ़ी में बड़ी वाली राई का यूज़ करती हूँ, और अब मैं इसमें डालूंगी एक सूखी लाल मिर्च। तो मैंने मिर्च का लाल पाउडर मैंने कढ़ी में भी डाला है, इसलिए मैं तड़के में एक ही लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ मेथी दाना। मेथी दाना कढ़ी में ज़रूर डालती हूँ मैं। आप चाहे तो आपके पास अगर कढ़ी पत्ते हैं तो आप इस टाइम कढ़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और उसके बाद मैं हल्दी डाल दूंगी, ताकि हल्दी इसमें भी डली हुई है बट इसमें भी डालने से तो उसका कच्चापन कम हो जाता है। और उसके बाद मैं जो मैंने घोल के रखा था बेसन और दही, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ध्यान रहे गैस का फ्लेम इस टाइम थोड़ा सा लो होना चाहिए,
और बचा हुआ जो उसमें लिक्विड है मतलब बेसन है उसमें थोड़ा सा और पानी डालकर अच्छे से इसमें डाल दूँगी और लगातार इसे चलाते रहना है, नहीं तो आपकी कढ़ी फटने का डर रहता है। आप नमक बिल्कुल मत डालिए इसमें अभी, नहीं तो कढ़ी जल्दी से फट जाती है। जब तक इसमें खोल ना आ जाए तब तक आप इसमें नमक नहीं डालिए तो ही अच्छा है। तो बस इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी आपको ये वाइट वाइट सी लग रही होगी बट थोड़ा सा पकने के बाद ये अपना कलर अपने कलर में आ जाएगी। तो इसको लगातार थोड़ी देर चलाना होता है और जैसे ही ये हल्की सी खोलने लगती है तो उसके बाद आपका कोई डर नहीं रहता है कि कढ़ी फटेगी या नहीं। तो बस इस तरीके से हम कढ़ी बना रहे हैं धीरे धीरे चलाते हुए। तो इस टाइम मेरी कढ़ी है वो अच्छे से खोलने लगी है। मैंने गैस का फ्लेम थोड़ी देर बाद बढ़ा दिया था तो अब मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी जिससे अब कढ़ी हमारी धीरे धीरे पकेगी। और अब मैं इसमें स्टेज पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। फ्रेंड जब तक मेरी कढ़ी उधर बनती है तब तक मैं इकट्ठा हुए थोड़े थोड़े बर्तन है जो उनको भी वॉश करती जाती हूँ साथ साथ में, ताकि हमारी किचन में बर्तनों का ढेर ना लग जाए। और बर्तनों का ढेर लग जाता है तो धुलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप धीरे धीरे करके काम के साथ में किचन को भी धीरे धीरे साफ करते रहे, किचन क्लीन करते रहे, तो आपका काम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आपका खाना भी बहुत जल्दी बन जाएगा। खाना बनने के बाद आपका किचन भी एकदम साफ साफ दिखेगा। तो मैं अभी सारे जितने भी बर्तन थोड़े से ही हुए हैं तो मैं इनको धुल के रख लूँगी और उसके बाद जब मैं खाली करूँगी बर्तन और खाना खा लूँगी उसके बाद मैं धुलूँगी और किचन को क्लीन कर दूँगी। फ्रेंड इधर हमारी कढ़ी है वो बनके एकदम तैयार है, देखिए एकदम उसका कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ियाँ, बस पकौड़ियों को थोड़ा सा मुट्ठी से दबाकर और इनको डालना है। और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ भी डल गई हैं और इनको अच्छे से मिला देंगे और हरे धनिए से इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो मुझे हर सब्जी में और कढ़ी में मतलब हरा धनिया बहुत ही पसंद है तो मैं हरा धनिया जरूर डालती हूँ। जब कभी जब नहीं होता है तो ही नहीं डाल पाती, अदरवाइज मैं हरा धनिया जरूर डालती हूँ। तो इधर हमारा जो ये लंच है वो बनके तैयार है और हमारे जो चावल हैं वो भी बनके तैयार है। तो मैंने चावल कुकर में बनाए हैं और कभी कभी मैं भगोना में भी बना लेती हूँ बट कभी मैं चावल कुकर में बनाती हूँ। तो बस थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, आपके चावल एकदम खिले खिले लगेंगे, आप चाहे भगोने में बनाएं या फिर कुकर में। तो यहाँ मैंने अपनी थाली लगा ली है, कढ़ी चावल, मैंने कुछ पकौड़ियाँ बचा के रख ली थी सूखी, मुझे सूखी पकौड़ियाँ भी साथ में खाना बहुत ही पसंद है तो मैंने यहाँ थोड़ी सी सूखी पकौड़ियाँ भी है वो भी बचा ली है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज के लंच की थाली। तो मैं करती हूँ अपना जाके लंच और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लंच करने के बाद मैंने कढ़ाई से जो कढ़ी थी वो मैंने निकाल कर एक बाउल में कर ली है और चावल को मैंने एक सी कुकर में बंद करके रख लिया ताकि वो सूखे नहीं। और मैंने अपने किचन को अच्छे से वाइप कर दिया है, क्लीन कर दिया है, गैस स्टोव को भी हमने साफ कर दिया है और मैंने बर्तन भी सारे धुल लिए हैं। तो हमारा किचन है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है और सारे बर्तन मैंने धुल के लगा लिए हैं। और बस इधर बच्चे की मेरी बेबी की बोटल्स रखी हैं दोनों, बस इनको धुलना है तो मैं थोड़ी देर बाद इनको धुलूँगी। अभी तो लंच किया ही है तो बस हमारा किचन क्लीन हो चुका है, हमारा लंच का जो रूटीन है वो पूरा हो चुका है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।